समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पहले भूमाफिया घोषित हुए, अब आजम खान पर किताब चोरी करने का आरोप लगा है। मंगलवार को पुलिस ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में छापा मारकर विश्वविद्यालय की मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी से चोरी की लगभग 100 से ज्यादा बेशकीमती किताबें और पांडुलिपियां बरामद की। कुछ एंटीक फर्नीचर भी बरामद हुआ। कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि रामपुर में रियासतकालीन मदरसा आलिया का एक हिस्सा है जो सपा शासन काल में जौहर ट्रस्ट को लीज पर दिया गया था। इस जमीन पर आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल खोल दिया। पिछले दिनों तंजीम अवाम अहले सुन्नत के सदर मौलाना मोहब्बे अली नईमी और मोहम्मद हुसैन साबरी ने जिलाधिकारियों से शिकायत की कि मदरसा आलिया में बेशकीमती किताबों का खजाना था जहां से किताबें चोरी की गई हैं। आरोप लगाया गया था कि ये किताबें जौहर विश्वविद्यालय भेजी गई। डीएम ने मामले की जांच कराई जिसमें रिकॉर्ड का मिलान हुआ तो 9,000 किताबें चोरी होने की पुष्टि हुई। जगदीश भाई, जगदीश भाई, इसमें 16 जून को थाना गंज में एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें के जो वादी हैं, जो जुबैद खां जो प्रधानाचार्य रहे मदरसा आलिया, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी अपनी शिकायत में, जो शिकायत दर्ज हुई है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनके यहाँ की बेशकीमती और काफ़ी पुरानी किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह वहाँ से चोरी की गई हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये किताबें थीं जो चोरी की गई हैं, जिनमें कई किताबों पे उनके स्टैम्प्स, मोहर या अन्य कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेटरी मार्क्स वगैरह भी थे। तो उसी संबंध में जो तफ्तीश की जा रही थी उसमें कुछ तथ्य ऐसे सामने आए। इसके साथ ही उनके द्वारा भी शक जताया गया कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की किताबें होने की आशंका है। इसी जो इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे पास अन्य साक्ष्य तथ्य सामने आए उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें आज लाइब्रेरी में और अन्य कुछ स्थानों पे जो सर्च है वो की जा रही है। उसी सर्च में कई ऐसी किताबें जो कि चोरी हुई थी वो बरामद भी हुई हैं। फिलहाल उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान कराई जा रही है और इसमें अन्य रेड्स भी लगातार की जा रही हैं। पुलिस लगातार इसमें सर्च कर रही है ताकि जो भी अभियोग से पंजीकृत सामान है, किताबें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको बरामद किया जा सके। आगे जो लीगल कार्रवाई है अभी फिलहाल जारी है, उसके बाद किताबें कितनी बरामद हुई, किताबें कहाँ से चोरी हुई थी? अभी देखिए किताबें कहाँ से चोरी हुई, 100 से ज़्यादा ऐसी बुक्स हैं जो अभी तक बरामद हो चुकी हैं और अभी और भी क्योंकि सर्च अभी अलग अलग की जा रही है। चोरी कहाँ से हुई? जौहर यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी से क्या कुछ किताबें बरामद हुई? जी जी, ये अभी जो लाइब्रेरी है उसमें बरामद हो रही हैं, लगातार बरामद हो रही हैं। जैसे जो लाइब्रेरियन है और किसी प्रकार का अभी तक जो भी लाइब्रेरी के संबंधित जो कर्मचारी हैं या जो भी अथॉरिटी यहाँ पर मौजूद हैं उनके द्वारा जो रजिस्टर दिखाए गए हैं उसमें किसी प्रकार से उसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। तो फिलहाल हमारी जो कार्रवाई है वो जारी है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी जा रहा है, अभी कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है और फिलहाल हमारा ये अभी जो सर्च है वो लगातार जारी रहेगी। सर कितने लोगों को लिया गया कस्टडी में? अभी कुछ लोगों को हिरासत में। किताबें चोरी कहाँ से हुई थी? ये मदरसा आलिया से संबंधित है। मदरसा आलिया जो कि 1774 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि संभवतः रामपुर का पहला कॉलेज था। ये किताबें 150 साल से अधिक पुरानी हैं। शिकायत पर डीएम के निर्देश पर 16 जून को मदरसा आलिया प्रधानाचार्य जुबैद खान की ओर से किताबें चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शक के आधार पर मंगलवार की दोपहर 1 बजे पुलिस की टीम ने एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में जौहर विश्वविद्यालय में छापा मारा। पुलिस टीम सीधे मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंची और अंदर से गेट बंद कर करीब 5 घंटे छानबीन की। इस बीच बाहर विरोध करने पर पुलिस ने एक महिला, लाइब्रेरी में तैनात 2 कर्मचारी और एक अन्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई में मदरसा आलिया से चोरी हुई करीब 200 से ज्यादा किताबें और कुछ फर्नीचर बरामद हुआ है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला जो जौहर यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं, उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन से जितना जुल्म किया जाए उतना कर ले, मगर उन्हें कानून पर भरोसा है। अब्दुल्ला का कहना है जिन किताबों को चोरी का बताया जा रहा है वो किताबें दान में मिली थी, पुलिस को किताबों की कोई जानकारी नहीं है, जो उसे मिला उसे भर कर ले गई। साथ में पुलिस फर्नीचर और कलकत्ता से आई
एंटीक अलमारी भी ले गई। एसपी रामपुर अजय पाल के मुताबिक 16 जून को पुलिस में शिकायत की गई थी कि रामपुर के ऐतिहासिक मदरसा आलिया की वेस्ट कीमती और पुरानी किताबें चोरी कर ली गईं। जौहर यूनिवर्सिटी में उन किताबों के होने का शक जताया गया था। पुलिस की जांच में भी सबूत मिल रहे थे। मंगलवार को छापे में मदरसा आलिया से 100 से ज्यादा किताबें बरामद की गईं। चोरी की किताबें मिलने से आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले से ही आजम खान इस यूनिवर्सिटी पर अवैध कब्जे की जमीन को लेकर भूमाफिया घोषित किए जा चुके हैं। अब चोरी की किताबों की बात ने आजम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।